नुजताबा, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं और ये इतने सादा कपड़े क्यों पहने हैं? और मौका देखें, इतना बड़ा खुशी का मौका है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन बच्चगुनी सी लगती है, बहम होता है। मारुख जी, ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। काश काश मैं अपनी बेटी को समझा पाती, वो ही अपनी अकल से काम ले लेती, लेकिन वो भी तुम्हारी तरह खुदगर्ज और सख्त दिल निकली। नुज़ताबा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। वैसे आपसे ज्यादा भोली औरत मैंने आज तक नहीं देखी। पैसे वाला दामाद मिल रहा है आपको? लाखों करोड़ों का मालिक है मेरा भाई, प्रॉपर्टीज है उसकी, और ये सारी चीजें फिर नादिया की भी तो होंगी ना। मारुख, तुमने इफ्रा को आधी रात उसको घर से अकेले बाहर निकाल दिया, तुम्हें जरा रहम नहीं आया उस पर? एक तो ये नादिया भी अपने तक कोई बात नहीं रख सकती। अभी भी जी, मौलवी साहब कह रहे कि निकाह का वक्त हो रहा है, अहमद साहब को बुलवा। हाँ तो जाओ ना, जाके देखो उन्हें। बल्कि रुको, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही देख लूंगी। अहमद, क्यों अपना तमाशा बना रहे हो तुम? नादिया ने तुम्हारे लिए इतनी सारी शॉपिंग की है, उसकी मर्जी के एटलीस्ट कपड़े तो पहनो। ये क्या हो लिया है? जाओ जाके चेंज करके आओ। अहमद, मेरी बात अहमद। तुम्हें शायद